इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर चुनावी मत पत्र के द्वारा आगामी संपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने की मांग को लेकर समता सुरक्षा सेना ने आवाज उठाई और साथ ही पैदल रैली निकालकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग में समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ के बैनर तले लोकतंत्र को बचाने के साथ संविधान की रक्षा को लेकर दुर्ग के शहीद चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और आक्रोश जताया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर चुनावी मत पत्र के द्वारा आगामी संपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने की मांग यहां पर की गई और साथ ही पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें, इस संबंध में उन्होंने बताया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और जिसका संचालन भारतीय संविधान के अनुसार होता है और भारतीय संविधान की मूल आत्मा लोकतंत्र है, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और संवैधानिक रूप से सुचारू और सहज शासन किया करते हैं, जिसे सारी प्रशासनिक शक्तियाँ जनता के द्वारा जनता के लिए जनतंत्र में निहित होती है और जिससे सहज लोकतंत्र बहाल होता है। लेकिन किसी देश में लोकतंत्र को ही खत्म कर एक तंत्र तानाशाही चलता है तो उस देश का लोकतंत्र खत्म होकर संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। साथ ही कहा कि भारतवर्ष में जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है तब से भारत का लोकतंत्र और संविधान खत्म होने की कगार पर आ चुका है और यहाँ निरंकुश तानाशाही चल रही है जो असंवैधानिक तरीके से देश पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि जनता जिस प्रतिनिधि को अपना मत देना चाहती है वह मत उसे न जाकर किसी एक विशेष व्यक्ति या पार्टी को जाता है, जिसे पूर्व निर्धारित किया जाता है कि उसे ऐसे ही विजयी कराना है। ऐसी स्थिति में अनैच्छिक लोग शासन सत्ता पर बैठकर निरंकुश होकर तानाशाही चलाते हैं और सारे संवैधानिक उच्च स्तरीय शासकीय एजेंसियों द्वारा समस्त जनता का शोषण करते हैं। इस मौके पर समता सुरक्षा सेना ने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में भारत में केंद्र में ऐसे ही निरंकुश तानाशाही सरकार है जो लोकतंत्र खत्म कर संविधान को खत्म करना चाहती है, जिससे सारे भारतवासी चिंतित और भयभीत हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। प्रदर्शन केंद्र सरकार के विरोध में था और बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा ईवीएम को जो हटाया नहीं जा रहा उसके विरोध में है, क्योंकि ईवीएम के उपयोग से लोकतंत्र जो है सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में केंद्र सरकार जो है ईवीएम के बल पर बहुत तानाशाही कर रही है और खुले रूप से मंचों पर कह रही है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक हम रहेंगे। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाएं और लोकतंत्र बिना ईवीएम को हटाए बहाल नहीं हो सकता। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमेशा झूठे झूठे वादे किए जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर हमें छला जा रहा है। इसके पहले जो सरलीकरण की मांग किए थे उसमें यहाँ के उसके अधिकारी जो है सुनते नहीं है। हमारी छत्तीसगढ़ शासन से मांग है कि जाति प्रमाण पत्र को तुरंत जो है सरलीकरण करके बनवाया जाए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। पहले के हमारे पूरा शिक्षित थे तो प्रमाण कहाँ से लाए 1950 का? संपत्ति का अधिकार नहीं था हमें, शिक्षित नहीं थे। तो दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार जब बनी उसी समय अन्य दो राज्य भी बने, वहाँ पर जो है सरलीकरण हो गया, तुरंत छत्तीसगढ़ बनता है तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं बना रही है? यदि अभी नहीं बनता है तो हम जो है निश्चित रूप से जो है एक बड़ा आंदोलन जो है आक्रोश के साथ में हम करेंगे। इसलिए हमें केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को तत्काल सुने और हमारी मांगों को पूरा करें। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।